हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ हिंदी से चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दादी माँ, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये जो कहानी है वो लिखित है शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा। उन्होंने खुद अपनी ही कहानी हमको बताई है। और किसके बारे में? अपनी दादी माँ के बारे में बताई है। जो ये कहानी लिखी गई है वो आपकी बुक में गद्य विधा है। गद्य विधा का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग। और लिखा किस रूप में है? एक कहानी के रूप में है। तो चलिए देखते हैं कि दादी माँ का जो कहानी है उसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है ज़रा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात बसंत देखने के बाद भी मेरा मन नहीं तो प्रातः अनमना सा हो जाता है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं, ये कहानी है तो इसलिए यहाँ पे हम लेखक कहेंगे, और कविता होती तो हम कवि कहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी सर्दी गर्मी बरसात, मतलब उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने बहुत सीज़न देख लिए हैं, लेकिन फिर भी सुबह उनका जो मन है वो थोड़ा विचलित हो जाता है। अनमना मतलब थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कहते हैं जो मेरे मित्र वगैरह हैं वो मेरे मुंह पे तो प्रसन्न होते हैं, मतलब मुझे मुंह पर मुझे प्रसन्न करने वाली बातें कहते हैं कि अरे आज छुट्टी आने वाली है, क्यों दुखी हो, लेकिन पीठ पीछे उनकी बहुत बुराई करते हैं कि कितना घबराने वाला इंसान है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि जो पुरानी बातें हो गई हैं, जो वो कहते हैं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। तो ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। वो कहते हैं ठीक है जाने दो, सोचने से क्या होगा, कितना सोचेंगे हम। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया ना छूटती है। तो उनके सामने किसी की जो है धुंधली छाया, मतलब धुंधली सी कुछ छाया दिखाई देती है। तो कहते हैं आगे, कहते हैं मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। उन्हें ऐसा लगता है उनके गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। तो दूर के सिवान से बहकर आ हुई है मोथा और साई की अधगली घासें। मोथा और साई कोई घासों का ही रूप है, जो अधगली घासें घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ देते हैं। तो जब वो पानी में सब्जियां जो वहाँ की घासें होती हैं जो पड़ी रहती हैं, तो सड़ सड़ के अजीब सी बदबू पैदा करती हैं वहाँ। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। तो गांव का जो कीचड़ था वो सूख गया था और तालाब में बच्चे नहा रहे हैं जो वहां के लड़के होंगे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, सब मौसम का अपनी बात होती है। तो आषाढ़ में जो है आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, चिवड़ा मतलब पोहा होता है, तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, गुड़ लाई की एक पट्टी बनाई जाती है गुड़ से, तो अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा मालूम होता है, लेकिन ये जो झाग में कूदना होता है ये उन्हें बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा हूँ, दो तीन दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। वो दो तीन दिन उसमें कूदे और वो बीमार हो गए। हल्की बीमारी ना जाने क्या मुझे अच्छी लगती है, ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, उनको हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण ज्वर मतलब बुखार होता है, साधारण सर दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू दिया जाए। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर था जो उनका बुखार था, वो चढ़ता है तो चढ़ता ही चला गया। रजाई पर रजाई ला दी गई और फिर उतरा कब, रात के 12 बजे के बाद उतरा। तो दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, कौन आया, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी वो, तो उसी झाग वाले जल में वो नहा के आई थी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारे हीन धोती मतलब होता है साड़ी, सन से सफ़ेद बालों से घिरा
सिरों पर संग टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर पेट छुए। उन्होंने आते ही उनको देखा, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्ति धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। कहीं से वो कुछ बबू तबूत लाई थी और माथे पर उन्होंने लगाई। दिन रात क्या थी, चारपाई के पास बैठी रही, मतलब पलंग के पास ही बैठी रही। कभी पंखा झलती मतलब हिलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। 10 बार उनको छू कर देखती कि उनको बुखार कितना है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो नहीं तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। ऐसे लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर क्या करती थी, घर वालों को परेशान करती थी। वो जानना चाहती थी कि वो क्यों बीमार हो गए हैं। तो दादी माँ को गवई गांव की 500 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। जब पुराने जो हमारे लोग होते हैं उनको बहुत कुछ मालूम होता है, तो गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वो क्या करती थी, यही काम करती थी, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसा निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ वो अपना लगा लेती थी। तो महामारी जो है, और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवांग और गुड़ मिश्रित जलधार गूगल और धूप देती, जल का धार देती और गूगल से धूप देती। सफाई कोई उनसे सीख ले, मतलब सफाई बहुत ज़्यादा करती थी। दवा में देरी होती, मिश्रिया सेहत खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो क्या हो जाती थी, पागल हो जाती थी, गुस्सा होती थी। मतलब साफ सफाई उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो बुखार तो मुझे आ भी जाता, अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुदाना उनको दे देते हैं, डॉक्टर साहब आकर क्या करते हैं, उनकी नाड़ी देख लेते हैं, कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भी भाग जाता है। पर ना जाने क्यों बुखार को बुलाने का जी नहीं होता है। जो किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। दिन भर क्या रहती थी, गायब रहती थी। सारा घर जैसे उन्होंने क्या कर रखा था, सर पे उठा रखा था। तो पड़ोसी ने आते आतो बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, जब उनको बुलाया जाता तब जाकर वो आती थी। बह और कह के आती थी कि बहन बुरा ना मानना। कार परोजन का घर ठहरा, मतलब काम करने काम वालों का घर है, तो एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। वो जैसे हमारी मम्मियाँ भी कहती हैं ना कि एक काम अगर मैं ना करूं तो होने वाला नहीं है, तो ऐसे वो भी कहती हैं। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ नहीं कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती है। जब वो नहीं होती हैं तो फिर काम जो है देर होता है, क्योंकि उनसे बिने पूछे कोई काम हम करते नहीं हैं। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा था। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, बाहर वो किसी पर मतलब गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची जो खड़ी थी। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। उनसे किसी ने पैसा उधार लिया होगा तो उन्हीं को डांट रही होंगी कि तेरी आंख में शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसे आ जाती है और पैरों पर नाक रगड़ती है, फिर किसी के पाई भी ना दे। तो अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, मतलब अब क्या तेरी खाती दूसरी फसल कटेगी। मतलब उनसे कोई उधार लेके जाता है तो वो पैसा नहीं देता है, वो जिसके बारे में बात हो रही है, तो उससे कहती है उससे कि फसल कट जाएगी तो दे दूंगी, लेकिन वो फसल देती नहीं है, कटने के बाद भी नहीं देती, तो वो उन्हें डांटती हैं। वो क्या कहती है, दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई कहती हैं। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी हुई हैं, और बिटिया की शादी है, आप नहीं दया करेंगी तो उस बेचारे का निस्तार कैसे होगा। मतलब वो जब इतनी उसकी बेटी की शादी है तो दया तो थोड़ी करनी पड़ेगी। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ, उसको वो भगा देती हैं कि मैं अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ क्या होती हैं, पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, देगी कभी तो। क्या दादी क्या कहती है, चला है समझाने। वो कहती है कि तुम मुझे समझाओगे। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए,
में इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था, मतलब इस बात को वो भूल गए थे। तो एक दिन रास्ते में रामी की वो चाची मिल गई फिर से। वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है तन्नो चाची, तो उन्होंने विवल होकर कहा उरिन हो गई बेटा, मतलब मैं धन्य हो गई हूँ, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर भी चली गई, मतलब उन्होंने जो कर्जा दिया था उसको भी छोड़ दिया और 10 रुपये भी देकर गई। देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 हज़ार के लिए हसाई ना हो, देता है बेटा देता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी मैंने पूछा उनसे, तो वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, वो कहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं हमारे वो तो भाई डांटते ही हमें, लेकिन अंदर से वो इतने सख्त थोड़ी होते हैं, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या होगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर क्या हुआ हंसता हुआ आगे बढ़ गया। ये लेखक कह रहे हैं किशन के विवाह के दिनों की अब बात आ गई है यहाँ पे। तो विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर क्या करती हैं, गीत गाती हैं, विवाह की रात को अभिनय होता है, नाटक होता है, ये प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, जो नाटक होता है उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पन्न होने तक दिखाया जाता है, सभी पार्ट जो हैं उसकी क्या करती हैं, औरतें ही करती हैं, उसमें भाग औरतें ही लेती हैं। मैं बीमार होने के कारण जो था वो लेखक जो है बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सके, तो मेरा ममेरा भाई जो है राघव दालान में सो रहा था, मतलब बारात जाने के बाद दालान होती है, छोटा सा कमरा होता है बाहर का, उसमें सो रहा था। औरत ने क्या किया, उन पर आपत्ति करी, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, दादी माँ ने कहा। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से क्या कर दिया था, सुला दिया था। मुझे क्या है बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ तो भेद खुल जाएगा, मतलब उनकी पोल खुल जाएगी तो बाहर निकाल दिया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी ना रुकी और भंडा फोड़ हो गया, उनको सबको पता चल गया कि सो रहे हैं यहाँ पे लेकर। तो देबू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ, हाथ हपाई शुरू हो गई, दादी माँ बिगड़ी और लड़के से क्यों लगती है, मतलब भाभियाँ मजाक करने लगी। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से ज़ोर से भागा, सब उनका मजाक उड़ाने लगे, तो वो ज़ोर से वहाँ भागे और दादी माँ के पास जाकर खड़े हो गए। फिर किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे तो अभयदान मिल जाता था, मतलब जब हम कोई गलत काम करते थे और दादी माँ के पास खड़े हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि अब हम बच जाएंगे। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती हैं। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब अच्छे से जानती थी। तो दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत कैसे रहने थे, उदास होने लगे थे, संसार उन्हें कैसा लगता था, धोखा मालूम होता था उनको, दादा ने उन्हें स्वयं, उनके जो दादा थे उन्होंने स्वयं धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेज कर अपने पीछे जाने की झूठी बात किया करते थे, वो खुद चले गए, मतलब उनका कहना था उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दादी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति को और डामाडोल कर दिया था, मतलब उनके जो दोस्त थे सामने तो कुछ और कहते थे और पीछे कुछ और कहते थे। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यक्ति थी वो घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर क्या रहती थी, उदास रहा करती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, मतलब ठंड हो रही थी, पछुआ का सन्नाटा, मतलब हवा होती पछुआ वो चल नहीं रही थी, पाले की शीत हड्डियों में घुसी जा रही थी, मतलब उनकी जो ठंड थी उनकी हड्डियों में घुसी जा रही थी। शाम को मैंने देखा कि दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कातर आँखों में से क्या आंसू कभी नहीं देखे थे उन्होंने, उनकी आँखों में आंसू बहते हुए मैं बहुत देर तक मन मारे बैठा रहा। उन्होंने आँखें खोली, दादी माँ मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू यहाँ क्यों बैठा है, उन्होंने पूछा उनसे कि क्यों बैठे हो। दादी माँ एक बात पूछूँ तो बताओगी ना,
तो मैंने अपनी स्नेहपूर्ण आँखों की उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा उनकी। तो वो कहती हैं कि क्या है पूछो। तो तुम रोती थी, दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने कभी खाना भी नहीं खाया, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल। वो उनकी बात को मतलब टाल रही थी। धोती तो बदल लो, मतलब साड़ी बदल लो दादी माँ। मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, दादी माँ ने कहा। वे मुझे खींचती रसोई में लेकर गई, किचन में लेके गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे, मतलब उदास होकर सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, मतलब किसी ने उधार भी लिया है वो देता भी नहीं है। तो दादी माँ कहती है रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनका हाथ माथा सहलाते हुए कहा मैं तो अभी ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। कुछ तो मेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर गया, उन्होंने वो कंगन जो था वो निकाल के दिया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे क्या कर सजा कर रखी आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, जो पूर्वज थे उनके। उन्होंने आंसू पोंछ कर, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा, मतलब उनको ये अंदेशा था कि आगे चल के ये काम आएगा। तो सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। उस समय उनको दादी माँ कैसी लगी थी, देवी जैसी लगी थी। धुंधली छाया उनकी विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया था, मतलब सुबह हो गई थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया था, मतलब पंख फैलाकर। स्टूडेंट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए, वहाँ पे आपको इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ ज्वाइन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन प्लीज़ करिए। तो हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है, काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही हैं। वो बार बार ये सोचते हैं कि जब वो उनके बारे में सोचते हैं उनको यकीन नहीं होता है कि वो सचमुच हमारे साथ नहीं है। ऐसा होता है कि जब हम अपना किसी को खो देते हैं तो हम उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं काफ़ी समय तक कि वो सचमुच हमारे साथ नहीं है। तो हमारे कवि लेखक जो हैं उन्होंने इसमें अपनी दादी माँ के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।